बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, अब तक के वीडियोस में हमने जमा के बारे में सीख लिया है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा हमने घटाना भी सीखा, जो इस तरह के निशान से हम दिखाते हैं। हमने गुणा भी सीख ली है, हमने इसका निशान देखा, वो ऐसा है। तो बच्चों, हमने गुणा को देखा कि वो रिपीटेड एडिशन होती है। तो आज हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा वस्तुओं को बांटना सीखेंगे, उनको बराबर समूहों में कैसे बांटते हैं, तो वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है भाग, और निशान कुछ ऐसा है। तो चलिए आज की वीडियो सीखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बोल है, इसमें टमाटर हैं। देखिए कितने टमाटर हैं, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 टमाटर हैं, इनको हम बांटते हैं। तो दो बच्चों में हम इनको बांटेंगे। तो मैंने एक बच्चे को 1 दे दिया और बाकी को 5 दे दिए, ये हो गया बांटना। लेकिन जो 1 वाला बच्चा है, वो तो नाराज हो गया। अब हम कैसे करेंगे, चलिए। अब मैं 2 टमाटर इस बच्चे को दे देती हूँ और दूसरे के पास हो गए 4, ये हुआ बांटना। लेकिन जब हम भाग करते हैं, जैसा कि आपने साइन भी देखा है डिवीजन का, जब हम डिवाइड करते हैं, तो उसका मतलब है इक्वल शेयरिंग, शेयरिंग इक्वली, बराबर बांटना। तो जब हम ये 6 टमाटर हमारे पास हैं और हम 2 बच्चों में बांटेंगे बराबर, तो देखिए कैसे बांटेंगे। 1 पहले को दिया, 1 दूसरे को, फिर हमने 1 पहले को दिया, दूसरे को, 1 और पहले को दिया और 1 और दूसरे को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बच्चों को 3-3 टमाटर मिले। तो इसको हम कहते हैं बच्चों बराबर बांटना, जिसको हमने कहा भाग करना। जब हम भाग करते हैं तो हम बराबर बांटते हैं, इसको हम ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, ग्रुपिंग इक्वली, बराबर समूह बनाना। तो हमने यहाँ 2 समूह बनाए हैं, 6 वस्तुएं थी, 6 टमाटर थे, उनके हमने 2 समूह बनाए। तो एक समूह में 3 और दूसरे में भी हुए 3, तो इसको हमने कहा भाग करना। तो इसी प्रकार हम आगे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाग का निशान। देखिए बच्चों, इसमें आपको जो ये एरो दिखा रहे हैं, ये हम भाग का निशान लगाते हैं। इस तरह के निशान हम भाग के लिए यूज़ करते हैं, और आगे आने वाली स्लाइड्स में, वीडियो में, पूरी में आपको इनमें से कोई निशान देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं भाग करना, जिससे हम समझते हैं भाग करना। अब यहाँ पर ये है रोहन, रोहन के पास 3 गाजर हैं। अब रोहन को तो गाजर बहुत पसंद है, उसको खानी है, लेकिन उसके 2 दोस्त सलोनी और साहिल भी आ गए। अरे वाह, बड़ा मज़ा आएगा अब तो। अब रोहन ने क्या किया, तीनों में गाजर जो थी वो बराबर बांटने की सोची, भाग करने की सोची। तो रोहन कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। अब रोहन ने 1 गाजर सलोनी को दे दी, 1 साहिल को दे दी और 1 खुद ले ली। तो तीनों दोस्तों को कितनी गाजर मिली बताइए, हर बच्चे को 1-1 गाजर मिली। तो कुल गाजर कितनी थी, चलिए ज़रा इसको लिख कर समझते हैं। कुल गाजर थी 3, इसको हमने 3 में बांटा, भाग किया, तो हर एक बच्चे को मिली 1, तो हमारा आंसर हुआ 1। 3 को जब हम 3 से भाग करेंगे, ये डिवीजन का साइन है जो आप देख रहे हैं, जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे, 3 में बांटेंगे, तो 1 आंसर आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर 2 ऊँट हैं, इनको बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 बाल्टी पानी है,
कैसे बांट सकते हैं? दो दोनों कैमल्स को बराबर मिले तो हम कैसे बांटेंगे, कैसे इसको भाग करेंगे? तो हमने क्या किया, पहले एक बाल्टी एक कैमल को दे देंगे, फिर दूसरी बाल्टी दूसरे कैमल को दे दी। अब तीसरी जो बाल्टी थी वो हमने पहले कैमल को दे दी और जो चौथी बाल्टी है वो दूसरे को दे दी। तो दोनों कैमल्स में जब हमने चार बाल्टी पानी को बांटा तो हर एक को कितनी मिली, दो दो। चलिए इसको लिख कर समझते हैं। कुल बाल्टी थी चार, दो कैमल्स थे, दो समूहों में हमने उसको बांटा तो हर समूह में यानी हर कैमल को कितनी बाल्टी पानी मिला, दो दो। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये एक्वेरियम है, तीन एक्वेरियम जहाँ पर मछलियाँ हम रखते हैं। तो ये हमारे पास हैं 12 मछलियाँ। अब हम इन तीन एक्वेरियम में ये 12 मछलियाँ डालेंगे। तो चलिए कैसे हम इनको बराबर बांटें, तो हम करेंगे, पहले हम एक मछली लेंगे और पहले एक्वेरियम में डाल दी हमने, 12 में से एक कम हो गई, अब दूसरे में डाली, फिर तीसरे में डाली। इस तरह जो मछलियाँ हैं वो कम हो रही हैं और संख्या जो है वो घटती जा रही है। तो हमने जब बांटा तो जो 12 मछलियाँ थी उसको हमने तीन भागों में बांटा, तीन ग्रुप्स में बांटा, तो हर एक्वेरियम में चार मछली डाली गई। तो जब हम 12 को तीन से भाग करेंगे तो चार आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा हर सवाल में बच्चों जो वस्तुएं हैं वो घटती हैं, तो इसको हमने कहा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या बार बार घटाना। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही डिवीजन होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 20 को 5 से भाग करना है। यहाँ पर हमने 20 डॉट्स ली हैं, तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से इसको करेंगे। पहले हमारे पास क्योंकि कुल संख्या है 20, तो इसमें से हम 5-5 घटाते जाएंगे। पहले 5 घटाया तो बचे 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो बचे 10, 10 में से 5 घटाए तो बचे 5, अब 5 में से 5 घटाया तो 0। तो इस प्रकार कितनी बार हमने 5 घटाया, 1, 2, 3 और 4, तो 4 बार घटाया। तो 20 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर होगा 4। तो 20 भाग 5 बराबर 4। हेलो दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये हैं रिंकी और रानी। अब रिंकी और रानी की मम्मी बाजार गईं और इनके लिए लाई कैंडीज। तो कितनी कैंडीज लाई, 10 कैंडीज। अब 10 को हमने दोनों बहनों में बराबर बांटना है, तो दो समूहों में बांटेंगे कैंडीज को, तो एक समूह में एक, दूसरे में एक। इसी तरह हम कैंडीज को दो समूहों में बांटते जाएंगे, तो ऊपर आप जैसे देख रहे हैं संख्या कम होती जा रही है और दो समूह बन रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे हमने पहले देखा था, समझा था कि जो डिविजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर संख्याएं घट रही हैं और दो समूह बन गए हैं। तो जब 10 को दो समूहों में बांटेंगे तो उत्तर होगा 5। तो दोनों बहनों को 5-5 कैंडीज मिली। चलिए अब हम जो अब तक सीखा उसको दोहरा लेते हैं। डिवीजन के बारे में हमने सीखा, डिवीजन मतलब बराबर बांटना या शेयरिंग इक्वली। इसके अलावा समूह बनाना या ग्रुपिंग। हमने डिवीजन के निशान के बारे में भी जाना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डिवीजन जो है वो बार बार घटाना या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो अब प्रैक्टिस टाइम, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो आपको जो पिक्चर्स दिए हैं इनको चार बच्चों में बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे आप ये करके देखिए। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है सॉल्व करिए। जो ये प्रश्न है इनको हमें सॉल्व करना है बार बार घटाकर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा। तो करिएगा और मैम को दिखाइएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।